हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। तो आज हम बात करते हैं और जिस टाइप से हमारे पास टेंथ क्लास के अंदर दो टाइप की मैथ्स थी, एक थी बेसिक और दूसरी थी स्टैंडर्ड, ठीक है। उसी टाइप से ना अब इलेवंथ क्लास के अंदर क्या है, इलेवंथ क्लास में दो टाइप की मैथ्स आ गई है। मतलब जो जो बच्चे मैथ्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है, उनके पास क्या है, दो टाइप की मैथ्स आ गई, ठीक है। जो पहली मैथ्स है, देखो जैसे टेंथ क्लास में मेरे पास एक स्टैंडर्ड और बेसिक था, ठीक है। अब क्या है, इलेवंथ के अंदर एक अप्लाइड मैथ्स है और दूसरी क्या है, कोर मैथ्स है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे हैं वो अप्लाइड और जो कोर है, ठीक है, वो क्या दोनों के दोनों ले सकते हैं। और जो अगला हमारे पास है, ठीक है, देखो बात करते हैं, जो इलेवंथ क्लास में मतलब कि टेंथ में जिनके पास स्टैंडर्ड मैथ थी ना, वो क्या है कि अप्लाइड और कोर वो दोनों के दोनों ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास बेसिक वाले हैं, ठीक है, बेसिक वालों के पास मे बी सिर्फ अप्लाइड का ही ऑप्शन दिया जाएगा इस बार, ठीक है। देखो अब मैं इसके अंदर है क्या, जो हमारे पास कोर मैथ्स है ना, कोर मैथ्स जो है वो सिर्फ मतलब कि उन बच्चों के लिए है। कोर मैथ्स के अंदर वो सारे के सारे चैप्टर इंक्लूड किए जाते हैं जो कि ये मान लो जो पहले से चलते आ रहे हैं, ठीक है। कोर मैथ्स के अंदर वो सारे के सारे चैप्टर इंक्लूड किए जाते हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं। और जो अप्लाइड मैथ्स है, ठीक है, अप्लाइड मैथ्स के अंदर सिर्फ वो चैप्टर मतलब कि अप्लाइड मैथ्स के अंदर ना कुछ कुछ नए चैप्टर वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे क्या है कि रीजनिंग वगैरह से रिलेटेड जितने भी चैप्टर है वो सारे सारे हमारे क्या है अप्लाइड मैथ्स के अंदर आ रखे, ठीक है। तो देखो किन बच्चों को कोर मैथ्स देनी चाहिए और किन बच्चों को अप्लाइड मैथ्स देनी चाहिए। जो बच्चा कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी CA, CS, CMA या फिर MBA वगैरह ऐसे कोई से कोर्स करना चाहता है तो वो अप्लाइड मैथ्स ले लो, ठीक है। और वो सारे ही सारे बच्चे जो कि क्या है कि साइंस से रिलेटेड कोई सा भी कोर्स करना चाहते हैं, जैसे मान लो जेई के एग्जाम वगैरह देंगे या फिर BSc या फिर MSc, ठीक है, और भी जितने भी साइंस से रिलेटेड जितने भी हमारे पास क्या है कि एग्जाम वगैरह होंगे या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो वो सारे सारे क्या है कि कोर मैथ ले लो, ठीक है। और जितने भी हमारे पास क्या है कि मतलब अप्लाइड की बात करते हैं, जिन बच्चों को ना कॉमर्स रिलेटेड जो भी कोर्स है ना CA, CS या फिर MBA वगैरह करने, तो क्या अप्लाइड मैथ्स ले लो। तो एक बार अपने स्कूल जाके कंफर्म कर लेना कि भाई तुम्हारे स्कूल में ये वाली मैथ्स अवेलेबल है या नहीं है, या फिर जो इसके टीचर है या नहीं है, हो सकता है तुम्हारा जो पुराने टीचर है वही तुम्हें पढ़ाए, ठीक है। तो वैसे वो ये सारी सारी बात थी हमारे पास, मतलब कि जो नई बात है वो अप्लाइड और कोर की बात है और कुछ नहीं है। वैसे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।